नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे UPSWD यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो सूचना एवं निर्देश दिए गए हैं उनसे संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि UPSWD डिपार्टमेंट प्रत्येक साल ISPCS के लिए फ्री कोचिंग देता है। उसमें पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप उस कोचिंग के लिए योग्य होते हैं। इसकी शर्तें क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कितने रुपए जाते हैं, उन सभी बातों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी हेतु निम्न परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाते हैं, जिनमें अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ मेस यानी भोजनालय, छात्रावास यानी हॉस्टल एवं पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की भी व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर 7 कोचिंग संस्थान हैं: छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ, यहाँ पर कुल 250 सीटें हैं। आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, ये केवल महिलाओं के लिए है और यहाँ 150 सीटें हैं। तीसरा है कि ISPCS कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुड़, यहाँ पुरुष के लिए 120, महिला के लिए 80 सीटें हैं। चौथा कोचिंग सेंटर है संत रविदास ISPCS कोचिंग सेंटर वाराणसी, यहाँ 200 सीटें हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि जो पाँचवा कोचिंग सेंटर है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ISPCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा, यहाँ 200 सीटें हैं। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर ISPCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़, यहाँ भी 200 सीटें हैं। सातवां पॉइंट है न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, यहाँ पर 50 सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपरोक्त कोचिंग केंद्रों में माह अगस्त 2019 से सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु कोचिंग सत्र संचालित किए जाने हैं। कोचिंग सत्रों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नवत हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रशिक्षण की अवधि। प्रशिक्षण जो होता है हमारा, सामान्य अवधि 5 माह की है अथवा परीक्षा की तिथि जो पूर्व हो निर्धारित है। कोचिंग सत्र माह अगस्त 2019 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। अर्हता यानी कि इसके लिए हमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होगी, तो कोचिंग में प्रवेश हेतु शैक्षिक, आयु संबंधी एवं अन्य आवश्यक अर्हताएं, संबंधित परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों इसके लिए? आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हों, आपके अभिभावक या माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक की ना हो और उपरोक्त समस्त केंद्र आवासीय संस्था के रूप में संचालित हैं, अतः अभ्यर्थी किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत अथवा कहीं पर भी सेवारत ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व में विभाग के किसी कोचिंग केंद्र में प्रशिक्षण ना ही प्राप्त किया हो। अगला पॉइंट है कि स्नातक उत्तीर्ण हो। नोट पॉइंट दे रखा है, बहुत ही जरूरी है, और जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो कोचिंग सेंटरों में कोचिंग का कोड भरा जाएगा, ठीक। तो आप विशेष रूप से ये 7 जो कोचिंग है, इन जिस कोचिंग के लिए आप योग्य बैठ रहे हों, ठीक, बहुत ही ध्यान से आप उसके अंदर परीक्षा के लिए जब परीक्षा का दे रहे होंगे तो आप इन केंद्रों को, जैसे पहले नंबर पर छत्रपति साहूजी महाराज है, दूसरे नंबर पर आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, इसी तरीके से जो कोचिंग के जो नंबर्स हैं ये वहाँ पर आपको भरने होंगे बहुत ही ध्यान से। तो नोट पॉइंट हम यहाँ पढ़ते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कोचिंग की सुविधा केवल छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में ही है। दूसरा नोट पॉइंट है, महिला अभ्यर्थियों की कोचिंग की सुविधा केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ तथा ISPCS कोचिंग केंद्र हापुड़ में ही उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट है कि प्रवेश का आधार, उपरोक्त कोचिंग केंद्रों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देंगे अपना, उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसी मेरिट पर आपको
कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरिट जो है इसकी दो तरीके से बनती है, एक तो वेटिंग मेरिट और दूसरी आपकी जो कट ऑफ रहती है वास्तविकता में वो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी जो भी कट ऑफ रहती है जिस कोचिंग की जितनी कट ऑफ रहती है और जिस कैटेगरी की जितनी कट ऑफ रहती है वो सभी जानकारी हम अपने चैनल से आपको बताएंगे। इसके लिए आप 2018 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ इसी चैनल पर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है कि परीक्षा कार्यक्रम, विज्ञापन प्रकाशन 27 मई 2019 को, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र 26 भरे जाने हेतु निर्धारित अवधि 27 मई 2019 से 26 जून 2019 तक, ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 10 जुलाई 2019, प्रवेश परीक्षा की तिथि 21 जुलाई 2019 और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का भत्ता या फिर यात्रा देय आपको पे नहीं होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम, सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 के पूर्व कोचिंग सत्र में प्रवेश हेतु उपरोक्त पात्रता एवं शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 26/6/2019 तक विभागीय वेबसाइट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई को होगी। कहां पर होगी? आपने अपने फॉर्म के यानी कि जब आपने आवेदन किया होगा उसमें जो आपने परीक्षा केंद्र चुना हो आपकी परीक्षा उसी केंद्र पर होगी, ऐसा नहीं कि आप अपनी परीक्षा केंद्र को बाद में बदलवा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, प्रवेश पत्र का प्रेषण। विभाग की जो वेबसाइट है आप वहीं से डाउनलोड कर सकेंगे इसको, ठीक, ऐसा नहीं कि आपको किसी डाक के द्वारा घर तक पहुंचाया जाए। 7वां पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न संबंधित परीक्षा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ISPCS के लिए फ्री कोचिंग देता है ये डिपार्टमेंट, तो जाहिर सी बात है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी लेवल के होंगे, लेकिन होंगे थोड़े छोटे, मतलब जो उनका बेस होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो ISPCS के डिपेंड, जिस हिसाब से ISPCS का एग्ज़ाम बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, उसी तरीके से आपसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे। ख़ासतौर पर आप ये समझ लीजिए कि IAS या PCS के आप एक फ्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है क्वेश्चनों का जो स्तर है वो थोड़ा निम्न स्तर का होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात दूसरी क्या है, प्रवेश परीक्षा 2 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र हमारा हिंदी मीडियम में होगा, ठीक, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो भी आपको पेपर हिंदी मीडियम में ही देना होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई और या अलग से कोई सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव, 4 विकल्प दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। परीक्षा फल की जो घोषणा है 5 अगस्त 2019 को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित होना संभावित है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 10 नंबर का पॉइंट जो है वो उसको पढ़ते हैं हम, प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु समस्त मूल अभिलेख आवेदन पत्र के प्रिंट एवं ₹1000 कौशन मनी के साथ संबंधित कोचिंग केंद्र जहां के लिए चयन हुआ है पर उपस्थित होगा। काउंसलिंग में समस्त मूल अभिलेखों की जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोचिंग सत्र का प्रारंभ अगस्त 2019 के तृतीय सप्ताह से IAS प्रारंभिक परीक्षा 2020 एवं PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों इस दिशा निर्देश की ये PDF डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और विभाग की वेबसाइट को देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।